आज एक वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और बाकी वेब पोर्टल्स पे, जिसमें बहुत ही दिल को दहलाने वाली और अंदर से डराने वाली एक घटना हमारे सामने आई है। यह घटना दिल्ली के अंदर शाहाबाद डेयरी इलाके की घटना है। इस वीडियो में एक लड़का कई बार 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 लगातार चाकू से, एक धारदार हथियार से लड़की को मारता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है कि वह लड़की नाबालिग है। और इतना ही नहीं, अपराध की जघन्यता देखिए कि धारदार हथियार से हमला करने के बाद भी वो लड़का पत्थर से उस लड़की को कुचलता है। और यह सारी घटना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, दिल्ली के अंदर जो माताएं बहनें उनको अंदर से डराने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, सबने देखा, दिल्ली ने देखा, देश ने देखा। और इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी जिस एलजी साहब पर है, उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता। हमने पहले भी बार बार इस बात को कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अगर एलजी साहब की दो तीन प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो एलजी साहब ऐसा कुछ करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस के बीच जो अविश्वास की खाई है वो कम होती नजर आए। ऐसा करते हुए एलजी साहब कभी भी क्यों नहीं दिखते? अमूमन तो एलजी साहब को बहुत शौक है छपने का, और छपने का शौक इतना ज्यादा है कि अपनी जो कार्य सीमा है उसके भी आगे जाके वो खबरें लीक करते हैं। इतना ज्यादा कि अब एलजी हाउस को लीकेज हाउस भी कहते हैं लोग। लेकिन एक ट्वीट उनका मिलेगा फरवरी महीने का, उसके अलावा एलजी साहब कहीं भी धरातल पे दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए किसी को नजर नहीं आएंगे। वो सब कुछ ट्वीट कर देते हैं, और अधिकतर वो ट्वीट करते हैं जो उनका काम नहीं होता। मैं आज पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, एक साल हुए उनको आए हुए दिल्ली में, और एक साल के अंदर दिल्ली की कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, अगर कोई पूछ ले दिल्ली के अंदर कितने थाने, उनको पता भी नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, आप तो वैसे जल बोर्ड के काम के लिए नौका विहार करने निकल जाते हैं, फ्लड के काम के लिए निकल जाते हैं पब्लिक में, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आप कितनी बार पब्लिक में गए हैं, कितनी बार आप जनता के बीच गए या दिल्ली के किसी थाने में गए और वहां आपने किसी फरियादी से बात करके पूछा हो कि पिछले एक साल से जिस दिल्ली को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, उस दिल्ली में रहकर
वासियों आपको कितना सेफ फील हो रहा है मुझे बताइए, कितनी बार आपने पूछा, कितनी बार आपने थानों का दौरा किया है? एलजी साहब आपको तो शायद पता भी ना हो, दिल्ली के अंदर विधानसभा स्तर के थानों की समितियां भंग की गईं। एमएचए ने कहा रिंस्टेट करो, वो रिंस्टेट भी नहीं हुई, और सांसदों को, आपके सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को दिल्ली की कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटियों को चेयर करते हैं थाने लेवल कमेटियों, और वह इसलिए कि उन सबके मुखिया आप हैं, आपको भी दिल्ली की कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। मैं एक साल का डाटा बताता हूं एलजी साहब आपको, जब से आप एलजी बने हैं दिल्ली के अंदर, और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी का डाटा कह रहा, एनसीआरबी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की एजेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है रोजाना 2 बलात्कार दिल्ली के अंदर हो रहे। बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपको नींद कैसे आ रही है? दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है आज, और इसके पहले की जो घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के प्रति अपराध की जो घटनाएं हुई हैं, महिलाएं डरी हुई, हमारी माताएं बहनें सहम कर सवाल पूछ रही हैं, केजी साहब वो दिन कब आएगा जब आप अपनी सियासी नींद से जागेंगे और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिला पाएंगे? रोजाना 2 रेप हो रहे दिल्ली के अंदर, आपके पास इसको रोकने का ना कोई उपाय है, ना आपने इनको रोकने के प्रयास किए, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मैं आपको आंकड़े देता हूं, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 19 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं देश के अंदर, उन 19 शहरों में इकलौती दिल्ली जिसको सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है, जहां माताओं बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, एलजी साहब इकलौती दिल्ली में कुल मिला दे 1/3 अपराध की घटनाएं महिलाओं के प्रति वह दिल्ली में होती हैं, लगभग 32.5%। आप क्या कर रहे हैं बताइए, आप क्या कर रहे हैं भाई? 4 महानगर है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, आप 3 महानगरों के अपराध के आंकड़े अगर क्लब कर देंगे, उससे ज्यादा अपराध सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, पिछले 1 साल का बता रहा हूं, एनसीआरबी का 2022 का डेटा मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने। एक काम आपके पास कि दिल्ली को सेफ फील करवाइए, दिल्ली की महिलाओं को, माताओं बहनों को सुरक्षित महसूस करवाइए, आप वो कर नहीं पा रहे। आपको इस बात से फुर्सत नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसको कैसे रोक दूं, इस बात से आपको फुर्सत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे कर दूं, इस बात से आपको फुर्सत नहीं। यह सब कुछ क्या दिखाता है? क्यों नहीं आपको फुर्सत मिलती है? क्यों नहीं आपका मन पसीजता है? आपका दिल ऐसा क्यों नहीं करता कि थानों में जाएं, दिल्ली के अंदर जो थाने, एक एक थाने में जाएं, जिले में जाएं, जनता से बात करें और समझे कहां गैप है, उसे दूर करने की कोशिश करें? ऐसा क्यों नहीं मन करता आपका? इसलिए नहीं करता क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो आपका सबसे प्राइमरी टास्क है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपने दुरुस्त करना है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है ही नहीं, और इस वजह से कि आपको अपने सियासी षड्यंत्रों से फुर्सत नहीं, राजनीतिक चालों से फुर्सत नहीं, इसका खामियाजा दिल्ली की माताएं बहनें भुगत रही हैं। इसके दुष्परिणामों को दिल्ली की आधी आबादी झेल रही है। आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं जी साहब, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, दिल्ली की जनता की ओर से मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जाग जाइए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामकाज को रोकना, जिसे आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है,
उसे थोड़ा सा साइड रखिए, कर लीजिएगा वो भी, उठा के सबको जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन उसे साइड में रखिए। दिल्ली के थानों के साथ, दिल्ली के अंदर अपराध से त्रस्त जनता के साथ संवाद स्थापित करिए, कोई ऐसी कार्य योजना बनाइए और जनता के सामने रखिए जिसे देखकर, पढ़कर, सुनकर, जानकर जनता को लगे कि आप उन्हें अपराध के अंधेरी गुफा में नहीं धकेल रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के प्रयास कर रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है, दिल्ली की माताएं बहनें तभी सुरक्षित महसूस करेंगी, दिल्ली की जनता ने जो आपके प्रति अविश्वास की धारणा बना रखी वो तभी खत्म होगी जब आप वास्तव में दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को अपनी पहली वरीयता बनाएंगे, अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाएंगे और प्रायोरिटी बनाकर धरातल पर उतरकर काम करते हुए दिखेंगे। मैं आग्रह करूंगा, मैं जानना चाहूंगा दिल्ली की आधी आबादी की ओर से कि जो सवाल आज मैंने पूछे हैं दिल्ली की जनता की तरफ से, एलजी साहब उन सवालों का सार्थक, सकारात्मक और तर्कसंगत जवाब देके दिल्ली की जनता को आश्वस्त जरूर करेंगे। धन्यवाद।